विगत दिनों हाजीपुर में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और विरोध में नारेबाजी भी किया। कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुशासन की सरकार में यह अपराध के जो खेल हो रही है इसे बंद करें। बताइए पुतला दहन किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हाजीपुर में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव जी की निर्मम हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा सुबह सुबह। यह दर्शाता है कि नीतीश राज्य में पुलिस प्रशासन एकदम पंगू हो गया है और अपराधी खुलेआम अपने कारनामे कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की राजनीतिक लोगों की हत्याओं पर अविलंब रोक लगवाए और राकेश यादव जी के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी प्रदान करें। भोजपुर में भी अपराध काफी सीमा बढ़ गया है, अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी वो राजनीतिक हत्या है, हम लोगों को मित्र की हत्या होगी, इसलिए हम लोगों को समझना है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस पर तत्काल कुछ कार्रवाई करे और अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे और उनके परिजनों को सहायता राशि प्रदान करें। पर्चे बता दीजिए। डॉक्टर आशुतोष कुमार जिला अध्यक्ष भोजपुर जिला युवा कांग्रेस। पुतला दहन किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरे बिहार में हर जगह हत्या लूट का माहौल चल रहा है, उसी क्रम में कल हाजीपुर में हमारे जो युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव थे बिहार युवा कांग्रेस के, उनकी सुबह में कल 7 बजे जिम जाने के दौरान सरेआम अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी। इससे यह साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन का तंत्र पूरी तरह से फेल है या सरकार की विधि व्यवस्था की पूरी तरह से नाकामी सामने आई है। आपके सामने है शायद ही कोई जिला ऐसा अछूता है जहां पर हत्याएं का दौर थम नहीं रहा है, लेकिन प्रदेश हमारे जो महासचिव है राकेश यादव जी, उनका हत्या यह साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की साजिश के द्वारा विपक्षियों को चुन चुन कर निशाने बनाने का कार्य किया जा रहा है। और इस पुतला दहन के माध्यम से आज हम सरकार से यह मांग करते हैं कि राकेश यादव के परिजन को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिजन में किसी सदस्य को 1 सरकारी नौकरी, और साथ ही हम इस पुतला दहन के माध्यम से उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। पर्चे बता दीजिए। अभिषेक द्विवेदी, बिहार युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव।